इन पर जो आपको फोटो देख रहे हो, इस तरह से बहुत सारे फार्मर की पोल्ट्रियाँ मरते रहते हैं, तो उन सबको नहीं पता होता कि कैसे वो पोल्ट्री मर गया। ठीक है, उसका सही सॉल्यूशन देंगे वीडियो में, ज़रूर बने रहना, और नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप सबको बताना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है, तो उसको उठाने के बाद पता भी नहीं चलता कि वो मरा कैसे, कुछ भी नहीं रहता उसकी शरीर में। तो ये होता है वाइट डायरिया की वजह से। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मशीन दिख रहे हो, इससे हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं मेरिकोन एसडी, और इसको खिलाते भी है। ठीक है, आप जो फार्म करते हो उसको मेरिकोन एसडी के बारे में पता ही होगा, या ऑलर्स भी बाय बूस्टर होगा, बहुत सारे ऐसे पाउडर या लिक्विड होगा, उससे आप लोगों को घर में वॉश करना है, मतलब स्प्रे करना है, उसके साथ साथ उसको खिलाना भी है। ठीक है, तभी देखना आपका जो पोल्ट्री है वो मतलब पलट के कभी नहीं मरेगा। और पलट के जब मरता है वो, उसके पहले और एक चीज़ आप सबको मैं बता देता हूँ, पलट के मरता है कब, जब पोल्ट्री स्टोक करता है, गर्मियों की सीज़न होता है, तो गर्मियों के सीज़न नहीं होता है फिर भी वो पलट के मर जाता है, इसी कारण से वो जो दवा है उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि उस पोल्ट्री में वाइट डायरिया हो गया है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा स्लाइट, तो इसीलिए पोल्ट्री जो है मर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि आपको वो मेरिकोन एसडी पिलाना है, और उसके बाद से एकदम ही आपका पोल्ट्री जो है ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और हम लोगों ने वो खिलाए, एकदम ठीक हो गए, इस बार नहीं पहली, बहुत पहली बार से हम लोग, बहुत पहले से हम लोग इस तरह से खिलाते आ रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे बीमारियां है जो देखकर पता नहीं चलता, या क्या बीमारी है, मर गया पोल्ट्री देखकर पता नहीं चलता, तो उसका उसको भी समझने के लिए आप सबको मैं ट्रिक बताऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है, इस वाले वीडियो को लाइक वगैरह कर देना।